अभी तक हमने क्या देखा कि चित्त जो है दोनों के बीच की कड़ी है, किसके, दृष्टा और दृश्य के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, तो चित्त में इसमें बोल रहे हैं अब संबंध दर्शाकर अगला सूत्र क्या बोल रहे हैं, चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष की सत्ता को दृढ़ कराने के लिए दूसरा हेतु बताया जाए। मतलब सत्ता, किसकी सत्ता स्थापित की जाएगी यहाँ पे, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि पुरुष तत्व है। इस सूत्र में भी 24 नंबर सूत्र तक में ना यही सीट चल, यही चीजें चलेंगी 24 तक। 24 के बाद फिर वापिस से कैवल्य में आएंगे वो। अब कैवल्य पा जाए तो कैवल्य का स्वरूप वापिस से 24 के बाद बताया जाएगा, लेकिन 24 तक आपको वही दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, चित्त अलग है, ये सारी चीजें ही आपको समझाई जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें चित्त से भिन्न दृष्टा की जो सत्ता है, पुरुष की जो सत्ता है, उसको दृढ़ करने के लिए मतलब मजबूत आपको दिखा ही दी जाएगी, है ही वो। आप भले चित्त को ही मान रहे हो, जबकि क्षणिकवादी मानते हैं कि चित्त ही है, चित्त के अलावा और कुछ है ही नहीं, एक चित्त हर क्षण दूसरे चित्त में बदल रहा है, वो मानते हैं इस बात को, तो वो उनको झुटलाने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए, मतलब दोष दिखाने के लिए उनकी बातों में, और दृढ़ करने के लिए अपनी बातों को, ये वाला सूत्र रख रहे हैं। अब बोल रहे हैं चित्त में, सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने मतलब कल बताया था कि जब वो दृष्टा जो है उसमें जाता है, लाइक किसमें जाता है सर, मतलब कि जैसे उसके उसके स्वरूप की तरह ही काम करने लगा था, जैसे वो पहले मतलब अलग था। तो सर वो मतलब जो मैं आपको कल भी बोल रही थी ना कि पुरुष की मतलब अपनी अलग कोई सत्ता नहीं है, उसका मतलब कि ईश्वर के, तो मैं ये वाली बात पूछना चाहती हूँ कि अगर वो उसी की तरह काम करने जाता है तो वो चीज हमारा चित्त ऐसा सोचता है या रियलिटी में ऐसा होता है कि वो पुरुष उस चित्त की तरह काम करने लग जाता है। वही तो देखो, जितने भी जो आपका डाउट हो रहा है ना कि पुरुष वास्तव में है भी या नहीं, ये आपके मन में यही डाउट आ रहा है। ठीक है साक्षी, ये जो आपको डाउट आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा है। आपका कहना ये है कि जो ये जो डाउट हो रहा है किसको, दृष्टा को, दृष्टा जबकि असंग है, उसके साथ मिल जा रहा है, तो हम क्यों मान ले कि दृष्टा है, चित्त ही मान लेते हैं, चित्त ही है। आपका भी कहने का तात्पर्य वही है कुल मिलाकर। पतंजलि जी ना आपको और समझाने के लिए 24 नंबर का सूत्र बोल रहे हैं, इसमें आपको और समझ में आएगी चीजें। इसको आप ये समझ लो, चित्त क्या है, जड़ है या चेतन है? जड़ वस्तु का कोई भी कार्य उसके स्वयं के स्वरूप के लिए नहीं होता है। ठीक है, हर जड़ वस्तु का काम उसके स्वयं के लिए नहीं होता है, हर जड़ चीज के लिए, वो किसके लिए होता है, चेतन वस्तु के लिए। प्रकृति क्या है, जड़ है। प्रकृति स्वयं में कुछ कर रही है क्या, उसका स्वयं के लिए कोई काम है क्या, नहीं है। वो किसके लिए है, दूसरे के लिए, दूसरों के लिए। इस सूत्र में भी आपको वही समझाया जा रहा है, जो डाउट आपके मन में आ रहा है ना, ये डाउट उन ऋषियों के भी मन में आया होगा, इसलिए ये सब डाउट आपको क्लियर किया जा रहा है, जो अभी आपके प्रेजेंट टाइम में आपको भी आ रहा है। ठीक है, यदि आप चित्त से ही चित्त को, तो चित्त से ही चित्त के साथ जोड़ते जाएंगे ना, तो फिर यहाँ तो लॉजिक ही गलत हो गया। मतलब जड़ वस्तु अपने लिए ही कार्य कर रही है, वो चेतन के लिए कार्य नहीं कर रही, जबकि दोनों भिन्न है। मरी ही वस्तु का कोई उस मतलब जिसमें निर्जीव है, जो वस्तु निर्जीव है, उसका क्या स्वरूप स्वयं के लिए, वो ना सोच सकता है, ना खुद में समझ सकता है, ना ज्ञान लगा सकता है स्वयं में, ना मनन कर सकता है। जो भी दृश्य वस्तु है उसके अंदर ये सारी क्षमताएं नहीं होती, वो किसके भीतर होती है, उस चेतन वस्तु के पास होती। ठीक है, आ रहा है समझ? अब देखिए वापिस से उस दृष्टा की सत्ता वापिस से स्थापित करके यहां क्या बोल रहे हैं, तद असंख्ये वासना अभी अभिश्चित्रम अपि परार्थम संघत्य कारित्वात्। ठीक है, यहां तद से तात्पर्य क्या है, तद से तात्पर्य है वह चित्त जो इसके पहले पढ़ के आ रहे हो ना, उस चित्त के बारे में। इसके पहले वाला सूत्र कौन सा था, चित्त वाला, जहां पे भी ऐसा लिखा होता है ना तत्, इसका संबंध किससे है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तत् असंख्य वासना, आपका चित्र जो है, आपका चित्त जो है अभी क्या था, दृष्ट दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये सूत्र था ना इसके पहले वाला 23 नंबर। तो चित्त जो था सर्वार्थ है, दृष्टा का भी है, दृश्य का भी है, मतलब उसके अंदर असंख्य वासना है क्योंकि वो सर्वार्थ है। जब साधक
दृश्य के साथ मिलता है तो उसके अलग वासनाएं बनती हैं, दृष्टा के साथ मिलता है तो उसकी अलग वासनाएं मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, चित्त जो है सर्वार्थ होने के कारण उसके अंदर असंख्य वासनाएं होती हैं, असंख्य वासनाओं के चित्त उस चित्त पर चित्रित होते हैं, और वो जो चित्त होंगे, जो भी चित्र होंगे, वो स्वयं उसके लिए नहीं होंगे। किसके लिए नहीं होंगे? उस चित्त के लिए नहीं होंगे, क्योंकि चित्त क्या है, जड़ है, उसके अंदर जो भी वासनाएं हैं उस चित्त के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। और इस चित्त के बारे में क्या बोल रहे हैं, चित्त जो है संघत्तकारी है। अब संघत्त का मतलब क्या होता है, संघत्त का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, परमाणु ले लो, आप परमाणु परमाणु ले लो या घर ले लो। घर कैसे बना है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, ऐसे बना ना घर हमारा, क्या घर जाके सीधा से रख दिए थे? नहीं, घर भी किससे बना है, छोटे छोटे बहुत से पदार्थों से मिलजुल कर। ये जो मिलजुल कर बनती हैं चीजें, इनको बोलते हैं संघत्तकारी। और क्या एग्जाम्पल हो सकता संघत्तकारी का, भोजन। भोजन जो है छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है, मतलब वो सूक्ष्म चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना, जो सूक्ष्म चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो जैसे कि वो जुड़ जाएंगी तब आपको दिखाई देने लगती हैं। तो संघत्तकारी यहीं पे बोला है चित्त को, चित्त जो है संघत्तकारी अर्थात मिलजुल कर कार्य करने वाला है। किसके साथ मिलजुल कर कार्य करने वाला है चित्त, चित्त जो है आपका, ईश्वर चित्त देखो सात्विक भी होता है, राजसिक होता है और तामसिक भी होता है। ठीक है, अब जिसके साथ वो जुड़ेगा, जो भी बाह्य पदार्थ उसके सामने आए, कोई भी बाह्य पदार्थ, वो सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। ठीक है, चित्त का कार्य यही होता है, जैसे भी बाह्य वस्तु रखी होगी वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उस पर डिपेंड करता है। उस बाह्य पदार्थ के संपर्क में जैसे ही आएगा तो इंद्रियों के साथ क्या होगा, चित्त का संयोग होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बहुत पढ़ा है, जहां चित्त जाता है वहां इंद्रियां अपने आप पहुंच जाती हैं, पढ़ा है ना। तो जिस बाह्य पदार्थ के साथ उसका संयोग होगा, इंद्रियों का संयोग भी अपने आप हो जाकर उसके साथ मिलजुल कर कार्य करने में वो समर्थ हो जाएगा। चित्त कोई भी बाह्य पदार्थ आपका ले लो, मतलब जिसके साथ मिल रहा है वो उसका हो गया, मतलब वह अपने लिए नहीं है चित्त, अपने लिए उसकी कोई सत्ता नहीं है चित्त की, वह दृष्टा पुरुष के लिए ही है। ठीक है, अर्थात उसी के भोग और अपवर्ग का संपादन करने के लिए ही है ये। करना क्या होता है इसमें, हम चित्त को क्या करते हैं, योगस चित्त वृत्ति कैसे करते हैं, विवेक ख्याति प्राप्त करते हैं। विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होती है, जब हम जान जाते हैं कि भोग जो जो हम संसार सागर का जो भोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है मेरे लिए, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मुझे दुख है, ये दुख है, पूरा दुखालय है। जब दुखालय समझ लेता है तो सोचता है कि मुझे अपवर्ग चाहिए, कौन, ये पुरुष के भीतर ही ये सब प्रतीति आती है, चित्त ही कराता है ये सारा का सारा उसे। जब वो भोग कर लेता है चित्त, और चित्त ही कर रहा है, पर प्रतीति किसको होती है, पुरुष को, जबकि पुरुष निर्विकारी है, उसके अंदर कोई असंग नहीं है, मतलब किसी के साथ संगी नहीं है वो, तो चित्त को जैसे ही लगता है कि ये गलत है, जितना भी भोग वो कर रहा है इसमें कुछ नहीं है, ये सब परम सुख नहीं है इसमें, कैवल्य इस, उसके बाद वो फिर कैवल्य की तरफ अग्रसर होता है, उन्मुख होता है। उन्मुख होने के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, विवेक ख्याति, अष्टांग योग करेगा, क्रिया योग करेगा, और क्या करेगा, और किस तरह से करते हैं हम समाधि प्राप्ति, ईश्वर परिधान ईश्वर परिधान करता है। ईश्वर परिधान करने के कारण क्या होता है, उसकी जो वासनाएं हैं, वासनाओं का कारण क्या है, अविद्या अविद्या अविद्या। ठीक है, वासनाओं का कारण क्या है, अविद्या। तो अविद्या को समाप्त करने के लिए फिर वही साधन पाद में पहुंच जाइए, हेयम दुखम अनागतम, है ना, दृश दृश्य संयोगो हे तो, फिर वापिस, हाँ ये कहानी फिर वापस वही रिवर्स चली जाती है जो पहले आपको उस एपिसोड में दिखा दिया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ केवल आपको ये समझाया जा रहा है कि चित्त जो है वो परार्थ है, दूसरों के लिए है, क्योंकि तो चित्त में असंख्य वासनाओं के चित्त उस चित्र उस चित्त में चित्रित होते हैं, अंकित होते हैं, और चित्त जो होता है संघत्तकारी होता है। ठीक है, इसमें चित्त को केवल यही बताना है कि चित्त स्वयं के लिए हो ही नहीं सकता, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर कार्य करने वाला ही होता है। किसके लिए है वो, वास्तव में चित्त किसके लिए, दृष्टा के लिए है, ताकि वो दृष्टा को क्या दिखा सके, भोग भी दिखा सके और अपवर्ग दिखा सके।
अब यहां एक वर्ड आया है वासना, वासना से ही अगला सूत्र बनेगा सर आगे। इसको अगर फॉर्मेट करें, सर आपने बोला कि पहले के जो हमने देखा था दृष्टो परक्त चित्त सर्वार्थ, चित्त जो है ये पुरुष पुरुष जो है चित्त के साथ तदाकार हो जाता है जो हमने इसके पहले देखा। अभी अभी ये सूत्र में ये बोल रहे हैं कि चित्त जो है वो उसमें प्रवृत्ति चलती है, इसका मतलब कभी वो पुरुष के साथ तदाकार होता है तो कभी वो बुद्धि के साथ प्रकृति के साथ, ऐसा ही ना सर? इसको कैसे सर चित्तम मतलब? जो अभी इसके पहले वाला सूत्र था कौन सा वाला, दृष्ट दृश्य कैसे उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, इसमें यही चीज तो समझाई है उन्होंने कि चित्त जो है कभी दृश्य के साथ मिल जाता है तो दृश्य का बन जाता है, दृष्टा के साथ मिलता है तो दृष्टा का बन जाता है, चित्त स्वयं के लिए नहीं है। वही चीज तो दोबारा से और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो स्वयं के लिए नहीं है, वो किसके लिए, पुरुष के लिए है वास्तव में, ताकि पुरुष इस संसार सागर का भोग करे और उसको बाद में पता चले जब कर ले, जब करते करते वो उसे त्रस्त हो जाए ना इस संसार सागर से, उसको आभास हो जाए कि ये जो जो भी वो कर रहा है रियलाइज करने के बाद, इस सारा का सारा दुख है, ये भ्रम है। भ्रम से तात्पर्य जो मैं कर रहा हूं ये विपर्य ज्ञान है मेरा, उल्टा है, मुझे ये मेरी सत्ता नहीं, मुझे जाना है केवल की ओर, नहीं ठीक सर, है। ये तो ठीक है सर, पर ये जो 22वां सूत्र है उसमें क्या है कि चित्त नहीं पुरुष चित्त के अनुसार हो जाता है, तदाकार हो जाता है, और इसमें बोला कि चित्त पुरुष या प्रकृति के अनुसार हो जाता है, दो अलग चीजें हो गई ना सर। 22 में बोला है कि पुरुष चित्त के ये अनुसार हो जाता आप है। देखो वहां साफ साफ बोला है, यहाँ पे दोनों बातों को कोरिलेट करके चलना, आप बोल रहे हो कि वहां बोल रहे हैं कि पुरुष चित्त के साथ तदाकार हो जाता है, यहाँ बोल रहे हैं कि चित्त पुरुष के साथ तदाकार हो जा रहा है, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप, उल्टी हो रही हाँ ना सर, चीजें, वहां हाँ हाँ पुरुष चित्त के साथ मिल जा रहा है, यहाँ चित्त पुरुष के साथ मिल जा रहा है। तो चित्त को आप क्या समझिए, चित्त को आप समझ लीजिए स्फटिक मणि का एग्जाम्पल जो दिया था, ठीक है। तो स्फटिक मणि जब आप, स्फटिक मणि कब होगी आपकी, जब वितर्क विचार आनंद स्मिता जो भी संप्रज्ञा समाधि में हमने पढ़ा था वो लगाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा चित्त स्फटिक मणि के समान होता है। स्फटिक मणि का क्या होती है, उस पर नीला स्वरूप आएगा तो नीला बन जाएगा, ठीक है, और हरा आएगा तो हरा बन जाएगा, उसका जो भी चीजें उसके पास आएंगी वो वैसा रूप धारण कर लेगा, ये चित्त की कहानी होती है। फिर अब चित्त के साथ दृष्टा और दृश्य को भी आप जोड़ दीजिए, दृष्टा का स्वरूप आया तो भी चित्त वैसा बन गया, दृश्य का स्वरूप आया तो उसके जैसा बन गया, ये बात होगी केवल चित्त की, ठीक है। ये तो क्लियर है, चित्त का बात, चित्त की बातें क्लियर हो गई कि चित्त सबके साथ मिलकर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। अब बात कर रहे हैं अब दृष्टा की, कि दृष्टा यहाँ पे क्यों मिल जाता है, असंग है निर्विकारी है, तो वहां ये समझा रहे हैं वो कि वास्तव में दृष्टा जो होता है चित्त के साथ मिलता नहीं है, चित्त के साथ मिलता नहीं है, दृष्टा का जो प्रकाश होता है, दृष्टा का प्रकाश वो चित्त पर जाकर पड़ता है, ठीक है, दृष्टा का प्रकाश चित्त पर जाकर पड़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो चित्त है ना वो दृष्टा ही है, दृष्टा का प्रकाश ही केवल चित्त पर जाकर पड़ता है, जबकि और आप ये समझ लेते हो कि यही दृष्टा है, जबकि वो वास्तव में होता क्या है, वो आभासी होता है सर, चिदाभासी वो होता है। केवल साक्षी है, ठीक है, वो केवल साक्षी हो, केवल देखने वाला है, केवल उसका प्रकाश जैसे चित्त पर पड़ता है ना तो हम सोचते हैं कि ये दृष्टा ही है, हम सोचते हैं ऐसा, वास्तव में जो दृष्टा है वो निर्विकारी है, असंग है, ये समझ में आया अभी आपको, हमें ऐसा हाँ प्रतीत होता है, ठीक है, जी सर, अभी आया समझ में। हाँ सर अबे ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं आया ना समझ, आगे आगे सर, और पढ़ेंगे तो और आ जाएगा सर। हाँ ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये दृष्टा दृश्य चित्त कई लोगों के समझ में बातें नहीं आती, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था पतंजलि योग दर्शन स्थूल बुद्धि वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, यदि आपको स्थूल बुद्धि वाला पढ़ना है तो वो एक अलग क्लास लूंगा उसकी मैं, ठीक है, स्थूल बुद्धि वालों के लिए जैसे उनको पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए, मैं वो भी एक क्लास लूंगा मैं, बहुत आसानी से वो आप चीजों को समझ में आ जाएगी वो, ठीक है, एक क्विक रिवीजन जैसा समझ लो आप लोग, या फिर
शॉर्ट एंड सिंपल समझ लो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा। स्थूल बुद्धि वालों के लिए वो क्लास रखी जाएगी, इसके लिए आप टेंशन मत रखो। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से समझना है तो थोड़ा सा आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि ये दृष्टा दृश्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी जाओगे किसी इंटरव्यू में, ये दृष्टा दृश्य आपके सामने प्रकट होगा और आप बोलोगे अरे क्या फंस गए हम, तो थोड़ा सा मन लगा के देख लिया होता। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में पड़ेगा जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गया डाउट? तो अब सर देखो फाइनली मतलब हम क्या कहेंगे कि दृष्टा चित्त में जा रहा है या चित्त दृष्टा का हो रहा है? चित्त दृष्टा का हो जाता है, केवल दृष्टा का प्रकाश चित्त पर पड़ता है तो आप सोचते हो दृष्टा ही चित्त बन गया, कहने का तात्पर्य यह है। और चित्त जो है वो अच्छा, स्वयं के लिए नहीं है, चित्त स्वयं के लिए नहीं है, वो दृष्टा के लिए उसके ही लिए है और दृश्य के लिए ही है। तो सर, पर दृष्टा को क्या इससे यह सिद्ध गलत होता है, है? चित्त जब दूसरों के लिए है, चित्त जब दूसरों के लिए कार्य कर रहा है तो दूसरा कौन है? वो एक दृष्टि होगा, एक आत्मा होगी, एक आपका दृष्टा होगा। एक बार और पढ़ना स्वयं से, एक बार और पढ़ना स्वयं से, आप लोग को पक्का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि मेरी बातों को सुनकर आप सोचो कि मैं समझ जाऊंगा तो इतना हो सकता है आप समझ जाओ, क्योंकि आपने पहले स्वाध्याय किया हो, अध्ययन किया हो, शायद आ भी जाए समझ। लेकिन ये सर सर ऐसे बोल सकते हैं बोलिए, क्या, चित्त जो है ना वो मीडिएटर है। हाँ, जब दृश्य का स्वरूप दृष्टा पर चित्त पर पड़ता है तो वो पुरुष पर जाके प्रकाश, और पुरुष का प्रकाश जब चित्त पर पड़ता है वो चित्त ग्रहण कर लेता है। चित्त विकारी है और पुरुष निर्विकारी है। आपको समझ में आ गया? राखी जी आप बिल्कुल सही समझे हो, चित्त जो है मेडिएटर है। अरे मेडिएटर वही तो कह रहे हैं, वो अपने रूप में कोई स्फटिक मणि बता रहा है, चित्त मीडिएटर ही तो है। दृष्टा दृश्य दृष्ट दृश्यो उपरक्तम चित्त सर्वार्थम, जो सूत्र है उसमें यही बताया गया है कि चित्त मीडिएटर है। वहां तीन चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप खुद से जाके पढ़ोगे, ठीक है ना? जैसा आप समझ रहे हो वही है, लेकिन यहाँ लिखा कुछ है, आप समझ किसी और तरीके से रहे हो, समझ बिल्कुल सही रहे बाकी। ठीक है, अभी पूछूंगा, डोंट वरी, आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगले सूत्र में चलते हैं। यहाँ एक बार और सिद्ध कर दिए कि दृष्टा की सत्ता है, क्योंकि चित्त दूसरों के लिए ही होता है, परार्थ होता है चित्त। स्वार्थ के लिए क्या होता है? यदि चित्त परार्थ के लिए है तो स्वार्थ क्या है बताओ? किसको सूत्र याद है? सर वो स्वार्थ में संयम करने से वो सूत्र बताइए मेरे को, साक्षी जी क्या सूत्र था वो, सर तैयार नहीं है। सर किसी को याद है? मुझे पढ़ता था ना तो मुझे पूरे रट्टा याद थे बिल्कुल। एक शब्द बोल दीजिए, पूरा सूत्र आपके सामने। असत्व पुरुष यो हो अत्यंत संकीर्ण यो हो, यही है ना सर? हाँ ऐसे ही है, सत्व पुरुष यो सत्व पुरुष रत्यंता यो हो संकीर्ण अत्यंत यो हो संकीर्ण यो प्रत्यय हो विशेषो भोगः प्रत्यय स्वार्थस्य विशेष भोगः परार्थक स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम्। पुरुष ज्ञानम। तो वहां परार्थ से हटकर किसमें संयम कर रहे थे आप? स्वार्थ। परार्थ यानी सर भोग के विषय वस्तु में, और स्वार्थ यानी उल्टा हो गया क्या सर? नहीं सही स्वार्थ बोल रहे हो, माते बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस सर, परार्थत यानी भोग भोग के विषय में बाह्य जगत में, और स्वार्थ में यानी आत्मा के रूप में सर, परार्थ में पुरुष संयम के कर रूप। रहे तो क्या हो रहा था वहां पे? भोग हो रहा था, याद है? परार्थ में संयम करने से भोग हो रहा था, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास तो शायद याद होगा। और स्वार्थ में संयम कर रहे तो क्या हो रहा था? पुरुष का ज्ञान हो रहा था। अभी समझ में आया क्या यहाँ परार्थ और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान हुआ था वहां पे, और पुरुष का ज्ञान प्राप्त होने से पहले क्या मिला था मेरे को, कौन बताएगा? सर, तस्य प्राण नहीं, बताओ सॉरी, मुझे, मुझे प्रियंका प्राथमिक पांडे जी बताएंगे। प्राथमिक श्रवण उस वेदना पुरुष ज्ञान के पहले क्या प्राप्त हुआ था प्रियंका जी?
विवेक ही आती है, विवेक 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 गलत। यंग भी है। प्रातिभ श्रवण, प्रातिभ प्रातिभ श्रवण श्रवण वेदन वेदना आदर्श आस्वाद। आदर्श आस्वाद और वो मछली बाजार मत तो लगाओ सर वो तो बाद वार्ता। में मिली थी सर, पहले नहीं मिली थी, प्रातिभ श्रवण तो उसके बाद मिली थी ना सर। पुरुष ज्ञान होने से पूर्व ही आपको प्रातिप श्रावण मिलता है, मतलब दौरान। पुरुष ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व ही प्राप्त होता है मनीषा जी, नहीं ये सर सब वो गलत सूत्र फहमी आप। सर 36 अलग है सर, तब प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श वार्ता है वो 36 है सर, और ये 31 सूत्र है, और जो प्रातिभा सर्वम वो 33 है सर। तो इसका मतलब प्रातिभा वो मिला है, और वो जो 6 में है उसके बाद वाला सूत्र है सर वो 36 है, अरे 35 है पुरुष ज्ञान का जो है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ तत्पुरुष बोला। संकीर्ण अत्यंत संकीर्ण प्रत्यय विशेष भोग परार्थ, ये वाला जो है ना पुरुष ज्ञान है वो 35 है सर, तथा प्रातिभ श्रावण है वो 36 है। रुकिए देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि उससे पहले जो प्रश्न आता है ना सूत्र से पहले, उसमें यही लिखा था कि पुरुष ज्ञान के मतलब प्राप्त पुरुष ज्ञान होने से पहले की जो मनीषा संख्या। जी आप पूरा देखो, मनीषा जी आप देखो, पहले कंफर्म हो जाया करो। आप सूत्र स्वाध्याय देखिए सर, सूत्र नहीं, नहीं देखिए नहीं आप सुनिए सुनिए, आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो इसलिए आप भूल जाते हो। इसमें सर, साफ साफ प्रातिभाद्वा सर्वम ये 33 है सर, बट जो प्रातिप श्रावण आदर्श वेदन वार्ता उसको जाए रोक, ना 36 वो ठीक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैंने यहाँ पूछा था प्रातिप ज्ञान पुरुष ज्ञान मिलने के पूर्व क्या प्राप्त होता है, सबने बोला प्रातिप श्रावण वेदना, यही बोला था ना सबने, जी सर। यही बोला था। तो मैंने आपसे बोला कि यही प्राप्त होगा, आपने बोला कि नहीं ये दूसरे सूत्र में मिलता है हाँ सर सिर्फ प्रातिप। प्रातिक प्रातिप तो इसमें इसमें पहले मिल चुका है आपको, मैंने केवल ये पूछा पुरुष ज्ञान मिलने के पूर्व कुछ चीजें मिलती हैं वहां पे, तुरंत ये वाला सूत्र याद होना चाहिए आपको, ततः प्रातिप श्रावण वेदना आदर्श स्वाद जायन्ते, ठीक है ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आया मनीषा जी समझ? हाँ सर योग दर्शन पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े बिल्कुल कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ परार्थ और स्वार्थ के लिए बीच में अटके हुए थे आप, परार्थ क्या है दूसरों के लिए, स्वार्थ में किया था तो पुरुष में संयम, स्वार्थ में संयम किया था तो पुरुष का ज्ञान मिला था वहां पे, ठीक है। यहाँ परार्थ और स्वार्थ को आप और अच्छे से समझ सकते हो को रिलेट करके। अब आपने देख लिया यहां तक चित्त और आत्मा जो मैंने बोला आपको, 24 तक के सूत्र में क्या बोलेंगे, चित्त और आत्मा दोनों भिन्न है। भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा आपको ये सिद्ध किया, प्रतिपादित किया, किन्होंने किया, महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने बताया कि चित्त और आत्मा अलग अलग है। अभी तक आप केवल ये समझाते आए हैं वो, ताकि आप भी क्षणिक वादियों की तरह ये ना मान लो कि चित्त की ही सत्ता है, चित्त ही हर क्षण बदल रहा है, आपको पुरुष तत्व तो मानना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सारी युक्तियां दी गई। किंतु युक्तियों से तो आत्मा का स्वरूप सामान्य भाव से ही समझ आता है। यहाँ क्या समझा रहे हैं आपको, जो भी डाउट हो रहा है ना ये हम शब्द से समझा रहे हैं आपको, और शब्द भी क्या है, एक शब्द क्या है, शब्द भी एक मनोवृत्ति है, शब्द भी एक वृत्ति ही है, ठीक है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान में शब्द का त्याग होता है ना वहां पे संकीर्ण सवितर्क समापत्ति में, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों जब लीन हो जाते हैं कि ध्येय में, वो अवस्था में भी शब्द को क्या माना था, त्याज्य माना था, शब्द को भी त्यागना होता है। तो मैं जो चीजें समझा रहा हूँ आपको शब्दों से, पतंजलि जी जो चीजें आपको शब्दों से समझा रहे हैं ना, वो आपके आत्मा का स्वरूप देखने के लिए वो आपके समझ में नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, वो आएगा समाधि द्वारा, वो आपको उसको जो अगर आपको स्वरूप जानना है किसका आत्मा का ना, तो आपको समाधि द्वारा ही मिलेगा। अतः समाधि में होने वाले विवेक ज्ञान द्वारा जब योगी आत्मस्वरूप को प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तब उसकी तभी उसको ये मिलेगा। और पूछ रहे हैं तब उसकी क्या पहचान होगी, अब कैवल्यपाद की ओर उन्मुख होते हैं। अगला सूत्र किसके लिए पढ़ेंगे हम, कैवल्य के लिए। अब देखो यहां आते विशेष दर्शन, आत्मभाव भावना निवृत्ति। विशेष दर्शन ने भी कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी मैंने दिया था याद होगा तो। अब यहाँ पे विशेष दर्शन क्या होता है,
विशेष मतलब विशिष्ट रूप से। विशेष दर्शी क्या होता, नॉर्मल दर्शी जो होते हैं वो अलग होते हैं, विशेष दर्शी क्या होते हैं। दर्शन मतलब क्या होता है, देखना। दर्शन मतलब क्या होता है, देखना। विशेष दर्शन मतलब क्या होगा, विशेष रूप से देखना। और विशेष रूप से कैसे देखोगे आप, विवेक समाधि ज्ञान द्वारा। द्वारा। समाधि द्वारा तो कुछ देखोगे ही नहीं, लीन हो जाओगे परमात्मा में। देखने के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्या अविद्या है, क्या विद्या है, यदि आपको ये देखना है ना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, यदि ये आपको जानना है तो विवेक ज्ञान आपके भीतर होना चाहिए। और जब विवेक ज्ञान और परिपक्व हो जाता है तो केवल सत्य का ज्ञान रहता है। यहाँ विवेक ज्ञान आपको बता रहे हैं, जो विशेष दर्शन होता है उसको विवेक ज्ञान के द्वारा। मतलब विशेष दर्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका चित्त और आपकी आत्मा क्या दोनों एक हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, दोनों में क्या है, भेद है। ये कैसे मिलेगा आपको नॉलेज, ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे आप, विवेक ज्ञान के द्वारा। तो विवेक ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आप विशेष दर्शी बन जाओगे। आप विशेष दर्शी बन जाओगे जब आपको ये विवेक ज्ञान मिल जाएगा, तो फिर आप क्या कर पाओगे, आत्मा और चित्त का भेद चित कर में अलग पाओगे, कर सकते हैं। डिफरेंस प्राप्त कर लोगे आप। मतलब जो भी डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा, किससे, विवेक ज्ञान से, विवेक ज्ञान द्वारा विवेक ख्याति द्वारा। अब विवेक ख्याति जैसे आपको मिल जाए तो इसमें बोल रहे हैं कि आत्मभाव भावना निवृत्ति। अब आत्मभाव भावना निवृत्ति मतलब ये तो ऐसा लग रहा है ना, मतलब शब्द देखकर कि आत्मभाव से ही हम निवृत्त हो जाएंगे। यहाँ आत्मभाव मतलब मालूम क्या होता है, यहाँ आत्मभाव को देखो लिखा है, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहाँ हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये किसके अंदर आएगा, ये सारे क्वेश्चन क्या हमारे भीतर आ सकते हैं, क्या ये प्रश्न हमारे भीतर आते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, कोई सोचता है। कभी नहीं सर, जब व्यक्ति व्यक्ति को साधक में विवेक ख्याति ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी उन्हीं लोग को आएगा। देखो ये विवेक ख्याति प्राप्त करने के, हाँ मतलब आप ठीक बोल रहे हो, विवेक ज्ञान मिलने के बाद आपको ये स्वरूप आता है, मैं कौन हूं, कैसा हूं, ये उसके बीच की कड़ी है। ये मतलब जब सर साधक साक्षी जी मुक्ति, को अभी लग रहा है सर, साक्षी जी ने बोला कि मुझे लगता है। नहीं सर, मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि क्या मैं क्यों हूँ, कौन क्या है, मतलब कौन तो नहीं पर क्या है, क्यों हूँ, क्या है, ऐसे ऐसे करके। देखो महर्षि पतंजलि ने ना, महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र में ना एक चीज और समझाई है साक्षी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चित्त में भावना उदय हो रही है साक्षी, ऐसा यदि मान लो आपके हो रही ना, तो उन्होंने यहाँ पे एक व्याख्याकार ने एक व्याख्या के रूप में एक और चीज आपको समझाई कि कैसे आप पता करोगे कि आपके अंदर वो चीजें स्फुरित हो रही हैं। सुनना ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु में तृणों के अंकुरों का प्रादुर्भाव देखकर, मतलब तृण समझ रहे हो ना, जो भी बीज होते हैं, तृण गिरा तो हम अनुमान लगाते हैं कि तृणों के बीजों की सत्ता का अनुमान किया। मतलब जैसे ही अंकुरित होता है आपका बीज वर्षा ऋतु में, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये बढ़ेगा, ये अंकुरित होकर पेड़ का रूप लेगा, अनुमान लगा लेते हैं ना हम। वैसे ही मोक्ष, जो पुरुष मोक्ष की ओर होते हैं उन्मुख, उनकी भी पहचान हो जाती है। कैसे करेंगे, क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, बता रहे हैं। श्रवण से रोमांच, किस श्रवण से रोमांच, मोक्ष मार्ग का यदि आपको श्रवण बता दिया जाए कि ऐसे मोक्ष मिलेगा तो आपको बहुत रोमांच, पिता इंटरेस्ट आ जाए आपके भीतर, क्यों रही ऐसे मिलेगा, हाँ 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 सुनते हैं, जानते हैं, काम आएगा ये, ऐसा रोमांच आ जाए। मतलब ऐसा रोमांच आए कि आपके भीतर हर्ष, हर्ष समझ रहे हो ना, खुशी, और वो खुशी बहुत अलग अलग लेवल की खुशी, आपके आंखों से आंसू होने लगे। वो पुरुष पुरुष ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है ना यहाँ पे, पुरुष विवेक ज्ञान, जितने भी बीज भूतें बात हो रही हैं आपसे, वो ज्ञान सुनकर आपके आंखों से आंसू आने लगे, ठीक है। ये यम नियम आदि कर्मों को जानकर आप बहुत हर्ष महसूस करने लगो, तब समझ लेना कि आपका, आप इस स्थिति में हो, आत्मभाव भाव विषयक भावना आपके भीतर है। और आत्मभाव भाव विषयक जो चीज है ना, ये आपके कैवल्य के पहले की चीज है। चीज मतलब ये जो भाव आ रही है, भावना आ रही है, कैवल्य के पहले आती है।
ठीक है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, जब विवेक ख्याति द्वारा उसको चीजें प्राप्त हो जाती हैं, वह चित्त में ही सारे परिणामों को देखता है और उसके धर्मों से भिन्न अपने को अपरिणामी ज्ञान स्वरूप अनुभव करने लगता है। ठीक है, आत्मभाव भावना निवृत्ति क्या है? एक होता है निवृत्ति, एक होता है विनिवृत्ति। तो विनिवृत्ति मतलब इस आत्मभाव भाव विषयक भावना से सर्वथा निवृत्त हो जाना। कैसे? विशेष रूप से। निवृत्त बोलेंगे तो नॉर्मली निवृत्त हो रहा है, विनिवृत्ति मतलब सर्वथा विनिवृत्त हो जाना हमेशा के लिए। और ये हमारे भीतर नहीं आएगी चीजें। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इसका नाम आत्मभाव सर, भावना अर्थात सर आत्मज्ञान के विनिवृत्ति विषय हो जाएगा क्या। तो क्वेश्चन, सर विनिवृत्ति हो जाएगा तो सर आत्मभाव का ज्ञान कैसे आएगा सर? तो केवल मिल जाएगा ना उसे? कैवल्य के पहले की तो अवस्था मैंने बताया ना आपको, आत्मभाव भावना विषयक जो है ना, ये स्थिति ये कैवल्य के पहले वाले योगियों की होती है। किसकी? विशेषदर्शी की। अभी इसके आगे विशेषदर्शी की व्याख्या करेंगे आप। ठीक है पवन जी, यस यस ये कैवल्य के पहले की अवस्था है। इसका नाम, केवल और विवेक, केवल के पहले और विवेक ख्याति के बीच में, ऐसे दोनों बीच में। हाँ, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं इत्यादि, इसका नाम आत्मभाव भावना अर्थात आत्मज्ञान के विषय का चिंतन है, जो अभी साक्षी बोल रही थी। यह जब तक मनुष्य को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक ऊंचे से ऊंचे साधकों में भी विद्यमान रहती है। अभी आपको कैवल्य नहीं मिला है, ठीक है, इसमें जो है ना कैवल्य मिला नहीं होता है। आप मान लीजिए समाधि में लगे हैं, संप्रज्ञात समाधि में लगे हैं। संप्रज्ञात समाधि में ऐसा होता है कि साधक साधना में जाता है और वापस भी आता है। तो ऐसा नहीं होता कि वापस आने के बाद वापस से वो वही जीवन कर रहा है, वो वापस से इंस्टा चला रहा है, वापस से फेसबुक चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो उस स्थिति से वापिस आने के बाद क्या करेगा? वापिस से कि मैं क्या हूं, मेरी सत्ता क्या है, केवल एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म तत्व में लीन होना है। मतलब किसकी? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस तरह की जब चीजें आने लगती हैं जो आप उपनिषद में पढ़ते हो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझे ब्रह्म का स्वरूप जानना है, मैं ये जो सत्ता है, ये सब कुछ दिखाई दे रही है, ये सब अविद्या है, ऐसा जब वो सोचने लगता है ना, ये ऊंचे ऊंचे साधकों में भी देखी जाती है। ताकि जो दूसरे विचार आ रहे हैं ना विद्या वाले, वो उनके भीतर प्रवेश ही ना कर पाए, सीधी सी बात। इसलिए होता है ये, इसमें देखा जाता है ऊंचे से ऊंचे साधकों में भी ये विद्यमान रहती है, ये वाली स्थिति। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को भली भांति समझ लिया, अब ये समझ लो, अभी जो बोल रहे हो ना पवन कि विवेक ज्ञान पहले आएगा कि आत्मभाव भावना विषय आएगा, आत्मभाव भावना पहले आएगी, फिर विवेक ज्ञान आएगा, फिर आप आत्मभाव की जो भावना होती है उससे निवृत्त हो जाओगे और कहाँ पहुंच जाओगे? कैवल्य में पहुंच जाओगे, ये सीक्वेंस होगा। परंतु जिसने विवेक ज्ञान द्वारा इस भेद को देख लिया और जान लिया कि शरीर और चित्त आदि से आपकी जो आत्मा है वह भिन्न है, निर्विकारी है, असंग है, जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तब आप अपने स्वरूप का संशय रहित प्रत्यक्ष अनुभव कर लोगे, और उसी स्थिति में आपको कहा जाएगा कि आत्मभाव भावना निवृत्ति से आप सर्वथा मुक्त हो चुके हो। फिर आप कैसे कहलाओगे? फिर आप कहलाओगे विशेषदर्शी, फिर आप कहलाओगे विशेषदर्शी। फिर उस समय योगी के चित्त की कैसी स्थिति रहती है? जब वो आत्मभाव की भावना से विनिवृत्त हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसे होती है? अभी केवल वो केवल की ओर क्या हुआ है? उन्मुख हुआ है, उन्मुख हुआ है, केवल को मिला नहीं है, ठीक है। आत्मभाव की भावना मिट तो गई है, विवेक ख्याति प्राप्त तो हो गई है, लेकिन विवेक ख्याति परिपक्व नहीं हुई है अभी, समझ रहे हो? अभी कौन सी जी अवस्था जी है विवेक ख्याति की? विवेक अंततम ख्याति अवस्था, मध्यम अवस्था बोल सकते हैं सर, नहीं, प्रारंभिक अवस्था। अभी परिपक्व हो जाएगा तो सर बोल सकते हैं। परिपक्व होगा तब तो फिर वो केवल की ओर, परिपक्व होने के बाद तो फिर वो संप्रज्ञा समाधि में ही मिल जाएगा, ठीक है। विवेक ख्याति परिपक्व सर होने से क्या ये होगा? संप्रज्ञा समाधि की लास्ट स्टेज बोल सकते हैं, आनंद अनुगत समाधि बोल सकते हैं इसको, संप्रज्ञात समाधि का लास्ट स्टेज।
लास्ट स्टेज तो विवेक ख्याति होता है ना। ये तो संप्रज्ञात समाधि से क्रॉस कर चुके हैं ना सर सब लोग। देखो इधर, संप्रज्ञात समाधि का परिणाम क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि का अंतिम परिणाम क्या होता है? विवेक है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति जब आपको प्राप्त हो जाती है ना, तो आप आत्मा और दृष्टा का भेद प्राप्त कर लेते हो। ये प्रारंभिक अवस्था है, वो बीच बीच की अवस्था है, समझते जाना। फिर जब आपको विवेक ख्याति का पूरा ज्ञान हो जाए और उसमें आप परिपक्व हो जाओ, तब आपको तब क्या होगा? जब आप पूरा कंप्लीट हो जाओगे, कंप्लीट मतलब समझ रहे हो, पूरे परिपक्व हो गए विवेक ज्ञान में, तब आपको धर्म विवेक समाधि मिलेगी। लेकिन यदि आपका विवेक ज्ञान निम्न है, जो कि इस सूत्र में बोला है, तो आप केवल की ओर उन्मुख हो जाओगे, अभिमुख हो जाओगे। ये सूत्र में 26 नंबर सूत्र में बताया है। अभी क्या है, अभी साधक को क्या मिला है? विवेक ज्ञान मिला है और वो अपने भेद को जान लिया है, लेकिन जो विवेक ज्ञान है उसका पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, मतलब अच्छे से उसमें हम कह सकते हैं कि वो उसमें भी सिद्ध नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें एक्सपर्टाइज नहीं हुआ है अभी, वो ऐसा बोल सकते हो अपने शब्दों में। मान लेते हैं कि उस समय उसको स्थिति प्राप्त होगी, तो उसका साधक का स्थिति कैसा होगा? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम। उस विशेष दर्शी योगी के चित्त के बारे में बता रहे हैं। तदा मतलब उस समय उस योगी का चित्त कैसा होगा? विवेक निम्नम, विवेकों में झुका हुआ और कैवल्य के अभिमुख हो जाएगा। अब इसमें आप एक सरल से एग्जाम्पल समझ लेना। ढलान है, ढलान आपका विवेक ज्ञान जो है वो झुका हुआ है किस तरह? पानी यदि आप किसी ऐसे ढलान में रख दोगे, ऐसे ढाल में, तो पानी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे नीचे सर, नीचे जाएगा ना। तो विवेक ज्ञान जो है वो ऐसे पानी की तरह नीचे बहते हुए किधर साइड जा रहा है? केवल की तरफ, केवल की ओर। तो विवेक निम्नम का तात्पर्य होता है वही पानी जो नीचे ढलान की ओर, ढलान की तरफ जा रहा है। और ढलान में क्या मिलेगा अंत में उसको? केवल्य, केवल्य मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको पढ़ते हैं एक बार। अज्ञान अवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त अज्ञान में निमग्न और विषय परायण होता है, विषयों के अभिमुख होता है। परंतु जब विवेक ज्ञान आपका जागृत हो जाता है, उदय हो जाता है, उस समय योगी का जो चित्त होता है संसार के विषयों की ओर नहीं जाता। कहाँ जाता है? विषयों के अंदर जाकर कहाँ जाता है? उनसे वो विरक्त हो जाता, जाएगा केवल की ओर जाता है। और उस समय विवेक ज्ञान में एक प्रवाह होता है जो निरंतर बहता रहता है, और वो प्रवाह कहाँ जा रहा होता है? केवल के अभिमुख हो जाता है, मतलब वो केवल के अभिमुख जा रहा है वो विवेक ज्ञान, जो मैंने ढलान का आपको एग्जाम्पल दिया अभी। यानी अपने कारण में विलीन होना आरंभ कर देता है, क्योंकि चित्त का अपने कारण में विलीन हो जाना ही तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, मतलब दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। ठीक है, चौथे के 34 में भी यह बताया है और तदा दृष्टु में भी यही बताया है। इस सूत्र को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें किस तरह के विवेक ज्ञान की प्राप्त हो रही बातें हो रही हैं। सर, चित्त का अपने कारण में विलीन होना मतलब दृष्टा में स्थित हो जाना। हाँ, किसका किसका किसका? चित्त का अपने कारण। हाँ बिल्कुल, चित्त अपने कारण, बोल सकते हैं चित्त अपने कारण में लीन हो गया। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है, दृश्य अपने स्वरूप में स्थित है। दृश्य का कार्य था दृष्टा को भोग कराना, अपवर्क कराना, उसने करा दिया। तदन्य साधारण तात औरों के लिए वो वैसी की वैसी भाई बनी हुई है, और पुरुष जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, और स्वरूप में स्थित हुआ हुआ वो कहाँ पहुंच गया? उस ईश्वर तत्व में पहुंच गया, उस कैवल्य में पहुंच गया, वो ओम स्वरूप जो परमात्मा बताए हुए हैं वहां जाकर वो लीन हो गया। अब उसको संसार सागर में नहीं फंसना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां ये बोल सकते हैं विप्लव विवेक ख्याति, बोल सकते हैं इधर अविप्लव विवेक ख्याति, विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय। हाँ बिल्कुल, वो तदा दृष्टु की स्थिति होती है, विप्लव हानोपाय। ठीक है, अब दृष्टा स्वरूप में प्रतिष्ठित कब होगा? जब चित्त अपने कारण में लीन हो जाएगा तब होगा कैवल्य। लेकिन इस सूत्र में आप देख रहे हो ना, अभी मिला नहीं है कैवल्य, अभी कैवल्य की तरफ क्या हुआ है? केवल उन्मुख हुआ, उन्मुख हुआ है, अभिमुख हुआ है, अभी मिला नहीं है कैवल्य उसको।
आपको कंडीशन समझाई जा रही है, चित्त को देखकर समझ लेना। लेकिन देखो, यदि आपको यही चीजें समझा दी जाए, आपने देखा होगा बड़े से बड़े योगियों में भी कुछ वो बुरे कर्म कर देते हैं, कुछ उनके अंदर विथानी चीज भरे हो, मतलब होता है ना, हमारे जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, कब से आ रही हैं, जन्म जन्मांतर से आ रही हैं। पहले हमने कितनी बार वो चर्चा किया है कि जो वासनाएं हैं बहुत भरी हुई हैं पिछले जन्म की, तो उन वासनाओं को बता रहे हैं। उन वासनाओं के कारण, उन वित्थान संस्कारों के कारण कभी कभी क्या होता है, उन योगी के चित्त में भी, जो उनका चित्त विवेक ज्ञान में झुका हुआ भी है, ठीक है, उनका विवेक ज्ञान किधर है, विवेक ज्ञान की ओर उन्मुख है, अपने कारण में विलीन होने लगता है, फिर भी व्युत्थान अवस्था में उसकी दूसरी वृत्तियां कैसे आती होंगी, जबकि वो केवल की ओर उन्मुख हो चुका है। ये पता है कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये विवेक ख्याति की प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं। मतलब जो विवेक ख्याति की ओर उन्मुख हुआ है, पहली पहली बार उसको मिला है और वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके भीतर अभी ये जो वासनाएं हैं, व्युत्थान के संस्कार हैं, है ना, वो उसके भीतर अभी बचे हुए हैं, संस्कार शेष बचे हुए हैं, उसको समझा रहे हैं। वो जो वासनाएं हैं थोड़ी सी बची हुई हैं उसके भीतर अभी। तो क्या होगा, यदि आप समझ लो उसको तत्छिद्रेशु, तत्छिद्रेशु मतलब उस विवेक ज्ञान में समझ लो आप, छेद है विवेक ज्ञान में, थोड़ा सा छेद है, थोड़ा सा बारीक सा, ठीक है, उस विवेक ज्ञान में छेद है और वो आगे बढ़ रहा है किस तरफ, केवल की तरफ। तो यदि उसमें छेद है तो पानी तो गिरते जा रहा है ना, पानी गिरते जा रहा है उस विवेक ख्याति का, मान लो आप पन्नी समझ ले जा रहे हो, पन्नी में छेद है, अब पहुंचते पहुंचते क्या होगा, पन्नी का पूरा पानी गिर जाएगा। परंतु आपने देखा है कि वो जो छेद है थोड़ा सा है, ज्यादा छेद नहीं है, मैं घर तक पहुंचूंगा तो बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घर आपका दूर है, आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं इतना चले चलता हूँ पन्नी में पानी रख के, और थोड़ा सा ही तो बारीक है, थोड़ा सा तो लीक है, पहुंचूंगा तो पहुंच जाऊंगा, नहीं गिरेगा पूरा पानी, आप ऐसा मान लो, सोच लो। सेम कंडीशन यहाँ विवेक ख्याति में, मान लो आप विवेक ख्याति की जो ज्ञान है उसमें मान लो आप छेद है, तत्छिद्रेषु, मान लो उसमें छिद्र है, छिद्र से तात्पर्य क्या है, उसमें व्युत्थान के संस्कार अभी बचे हुए हैं, यदि आप मान लो ऐसा उस विवेक ख्याति में, तो क्या होगा, समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का पूर्व संस्कार उसके चित्त में आता रहेगा। आया समझ, मतलब व्युत्थान के संस्कार उसके चित्त में आते रहेंगे, अभी जो उसे, उसने अभी दग्ध बीज नहीं किया है, उसने अभी दग्ध बीज नहीं किया, लेकिन जो व्युत्थान के संस्कार हैं अभी वो उसके पास आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं, संस्कार के रूप में आ रहे हैं, वासना के रूप में, संस्कार के रूप में आ रहे हैं। तो अब अगला सूत्र जो आएगा ना वो इसी संस्कार से आएगा। यदि उस विवेक ख्याति में छेद है तो क्या होगा, उस विवेक ख्याति में, उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का ज्ञान पूर्व संस्कार से होता रहेगा उस साधक को। और ये क्यों हो रहा है मालूम है ना, विवेक ज्ञान उसका परिपक्व नहीं है, वो प्राइमरी स्टेज में है अभी, ठीक है। अब बोलेंगे कि जब वो पूर्व संस्कार आ रहे हैं तो उस संस्कार का नाश कैसे करें, अब ये संस्कारेभ्य जो है इसका नाश अब कैसे करें। तो उस पतंजलि जी ने वापिस से आपको बोला कि उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब और कैसे होगा, इस जिज्ञासा पर वो कहते हैं कि हान मेषाम क्लेश वदुक्तम, यदि आपको इन संस्कारों का नाश करना है तो जैसे मैंने सेम एज प्रीवियस आपको समझाया हुआ है, कैसे बताया है, जैसे आपने क्लेशों की निवृत्ति की थी, क्लेशों को कैसे समाप्त किया था, ते हाँ प्रतिपस्तव बहुत बढ़िया, सूक्ष्म मतलब हमने उसको पहले क्या किया था, सूक्ष्म किया था उस क्लेशों को, फिर वो जो बीज होते हैं ना, जब बीज को हम दग्ध कर देते हैं मतलब जला देते हैं, तो वापस में उसमें अंकुरित होने के गुण नहीं रहते, वापस से समझा रहे हैं कि उन क्लेशों को हम जब दग्ध बीज कर देंगे पूर्ण रूप से जलाकर, ताकि उसमें वापस से जो वासनाएं हैं, संस्कार है, वो वापस से स्फुरित ना हो, इसलिए उसको दग्ध बीज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो दग्ध हुए बीज के सदृश जो सूक्ष्म क्लेश है उनका अभाव जैसे प्रति प्रसव से अर्थात कारण में कार्य के लय से बताया जाता है, उसी प्रकार उसका भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे उसी विवेक ज्ञान के द्वारा जब आप व्युत्थान के संस्कारों को समय हमेशा दग्ध बीज भाव से समाप्त कर दोगे,
अब ये बताओ व्युत्थान के संस्कार किसमें आएंगे, परिपक्व विज्ञान में आएंगे या अपरिपक्व विज्ञान में आएंगे ये व्युत्थान के संस्कार? अपरिपक्व विज्ञान में। अपरिपक्व विज्ञान में ही ये संस्कार आएंगे जिसको आप समाप्त करने की बात कर रहे हो, ठीक है? कारण क्या है इसका? अपरिपक्व विज्ञान में जो संस्कार आ रहे हैं यहाँ पे, इसका कारण क्या है? तच्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः, प्रारंभिक अवस्था में है सर उसकी। इस संस्कार का आने का कारण छिद्र क्यों हुआ, कारण क्या है? उसमें अभी भी संस्कार वापिस आ रहे बाकी है सर, पूर्व संस्कार, पूर्व संस्कार, पूर्व संस्कार बचे हुए हैं अभी थोड़े थोड़े। बहुत बढ़िया, अब उस संस्कार को कैसे समाप्त करोगे? और अभ्यास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ज्यों ज्यों विवेक ज्ञान का अभ्यास करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आप धर्मिक समाधि की ओर अग्रसर हो रहे हो। अब बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रही चीजें। अब विवेक ज्ञान आपका परिपक्व हो गया है, मान लो आपने अपने विवेक ज्ञान को परिपक्व कर दिया है, तो ये जो संस्कार हैं तो फिर छीन है, कुछ नहीं है मेरे लिए, ऐसा मान के मान लो आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो क्लेश है तो बहुत बड़ी जड़ है, वैसे तो वासना है। अब आप परिपक्व हो गए हो विवेक ज्ञान में ना, तो ये जो आपके संस्कार आ रहे थे आपने उसे क्लेश माना, क्लेश वदुक्तम, आपने इन संस्कारों का हानम कैसे किया, विनाश कैसे किया, क्लेशों की भांति किया। अरे मैंने किया हुआ है, मैंने क्लेशों को जैसे समाप्त किया था वैसे ही संस्कार को भी समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा इनको। और जब आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे ना, तब आपको क्या मिलेगा? धर्मिक समाधि। अब इस विषय पर चर्चा हम करेंगे कल, शेष बातें होंगी कल। अब आप विवेक ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, विवेक ज्ञान की उच्चतम अवस्था में आप पहुंच चुके हो, ठीक है? प्रसंख्याने अपि कुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म में एक समाधि ही। समझ में आया कैसे पहुंचते हैं विवेक ज्ञान धार्मिक समाधि तक? बोलो बोलो बोलो। सर संपर्क ज्ञान समाधि के बाद विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर जब उसके बाद धार्मिक समाधि होती है ना सर का? हाँ, और वो विवेक ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व भी कुछ कुछ मिलता है, मनीषा जी बताइए तो पूरा बताइए, जितना आपको अभी तक पता चला है। आपको विवेक ज्ञान का प्रारंभिक रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, वो भी बताइए, वो भी बताया है मैंने, याद है कुछ? चार समाधि के चार स्टेजेस हैं? नहीं मनीषा जी, ये नहीं बताया मैंने सर। आत्मभाव भावना कौन बताएगा? विवेक ज्ञान का सीक्वेंस धार्मिक समाधि तक कि कोई नहीं लिखता है क्या? संप्रज्ञा समाधि सर, क्लेशों का तनु करना, फिर संप्रज्ञा समाधि, संप्रज्ञा समाधि के बाद विवेक। राखी जी वो ठीक है, मेरे को केवल ज्ञान बताओ, मेरे को केवल विद्या विद्या चाहिए, उसको क्रम में, मतलब एक अलग आपने चीजें सेट की हुई है उसको सेट करके बताओ मेरे को, असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में। पहले हाँ बताओ, पहले अध्यात्म प्रसाद होगा। बहुत बढ़िया, लिखते जाओ। और जो विद्यार्थी हैं जो लिखना नहीं चाहते, अपना पेन कॉपी उठाओ और लिखो। बताइए साक्षी जी, सुन रहा हूँ, फिर उसमें और कुछ चीजें इंक्लूड करना आप लोग, बोलिए जी सर। सबसे पहले अध्यात्म प्रसाद होता है, मतलब जिसमें बुद्धि निर्मल हो जाती है, इसके बाद श्रीतंभरा प्रज्ञा, श्रीतंभरा प्रज्ञा सत्य धारण करने की क्षमता, उसके बाद विवेक ख्याति होती है, और फिर विवेक ख्याति के बाद धर्म में एक समाधि, धर्म में एक समाधि होती है। विवेक ख्याति में भी कुछ स्टेज होते हैं, पहला स्टेज क्या बताया था हमें? विवेक ख्याति की जो पहली किरण आती है उसको क्या बोलते हैं सर? पुरुष ज्ञान। विवेक ख्याति की पहली किरण जो होती है सर, आत्मभाव भावना ना, वही है। नहीं, वापिस से लो होने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने प्रातिभ बताया था कभी? प्रातिभ प्रातिभाद्वा सर्वम बताया था ना, वही है विवेक ज्ञान का प्रारंभिक रूप। विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, विवेक ज्ञान के प्रारंभिक रूप में क्या होगा? यही जो पानी में छेद हो जा रहा है,
बांध में छेद होता है तो क्या होता है, आपको लगता है कि स्टार्टिंग में रिदनी से छेद है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो बांध का छेद जो होता है वो छिद्र बढ़ते 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 फिर एक दिन ऐसा आता है बांध टूट जाता है, यदि आपने उसको बराबर जाकर वहां पे सीमेंट सील नहीं लगाई तो। आपको भी विवेक ख्याति की जो पहली अवस्था होती है, यदि आपने वहां पे भी सील नहीं लगाया, सीमेंट नहीं लगाया वहां पे, तो वापिस आप वही व्युत्थान के संस्कारों का जो आ रहे हैं ना वो भर जाएंगे आपके भीतर और वापिस आप उसी निम्न अवस्था में पहुंच जाओ। आया ये अध्यात्म समझ थोड़ा बहुत? ठीक है, आया कि नहीं आया थोड़ा बता दिया करो, फीडबैक दे दिया करो। हेलो सर, खुद करना पड़ेगा। और हाँ, चित्त वैसे ही होता है, बहुत सीधा साधा होता है। सीधा साधा क्या होता है, इसी को तो समाप्त करना है। समाप्त क्या करना है, इसको चित्त को अपने कारण में लीन कर देना है। इतने सिंपल तरीके से समझाया गया, अब मुझे लगता है कि आप अब धर्मिक समाधि आपको मिल गई है, एक दो क्लास में आप कैवल्य प्राप्त कर लोगे। ठीक है, ठीक है फिर सर, 28वां और एक बार समझा दीजिए ना। हानो पयश क्लेश दुक्तम। एक मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।